गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मजे में? तो चलिए बनाते हैं एक हेल्दी से स्नैक्स। शाम का टाइम है और मुझे कुछ हेल्दी से खाना है, ऑयल फॉयल नहीं खाना है, तो मैं बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा मूढ़ी मसाला, मिक्सचर मसाला एट्सेट्रा, बट आज बनाएंगे हम लोग चना मसाला। तो मैंने ये चने को भिगो लिया था, करीबन 6-7 घंटा भिगो लिया था। तो चलिए अब ये सब इंग्रेडिएंट्स काट लेते हैं और बनाते हैं चना मसाला। तो दोस्तों, ये मसालेदार चटपटा चना का एक गजब ही स्टोरी है, क्योंकि जब छोटे थे हम, ठीक है ना, आजकल तो इतना ज़्यादा खाना नहीं होता है ये सब, पर आपको अगर याद होगा बचपन के टाइम में ये सब गली नुक्कड़ सब जगह मिल जाती थी हम लोगों को। तब जो पानी पूरी, पुचका बोलते हैं बंगाली में, हम लोग उड़िया में गुपचुप बोलते हैं, तो यही सारे चीज़ बहुत ही फेमस थे, जो कि आजकल इतना देखे नहीं जाते। वही कहीं पे आप पार्क घूमने जाओ या फिर कहीं छुट्टी वट्टी मनाने जाओ वीकेंड में, सब ये सब मिल जाते हैं। तो हम लोग जनरली ये सब घर में नहीं बनाते, हालांकि ये सब खाना बहुत ही हेल्दी चीज़ है, क्योंकि आप जान पा रहे हो कि यहाँ पे ये कुकुम्बर कितना हेल्दी चीज़ होता है, उसके ऊपर टोमेटो कितना हेल्दी होता है। तो कच्चा कच्चा ये सब हम लोग खाते हैं चने के साथ, चना भी कच्चा, कोई तेल नहीं, उसके ऊपर लेमन, और हाजमा मस्त बढ़ाता है ये। और एक तो हेल्दी हेल्दी है और ऊपर से एकदम शरीर के लिए बढ़िया, हेल्दी वाला खाना है। तो कभी भी आपको भूख लगे तो ऐसे ही कर लीजिए, जब क्योंकि हम लोग समोसा वगैरह वगैरह बाहर का ऑयली खाना खाते खाते कभी कभी उग जाते हैं ना, तो यही सब खा लेना चाहिए ताकि आपका हेल्थ भी सही रहे। क्यों, और ये सब खाने से थोड़ा मेंटेन हुए रहता है। डेली हम लोग समोसा या फिर जो ऑयली चीज़ बाहर में खाते हैं ना, उससे प्रिवेंट करके यही सब थोड़ा बहुत खा लिया करिए, बढ़िया देह शरीर रहेगा। तो मैं भी यही करता हूँ, यही प्रैक्टिस करता हूँ, कि वैसे तो कहीं भी बाहर जाओ तो कोई हम लोग को स्पाइसीदार खाना पसंद होता है, लेकिन घर में कभी कभी ये भी ट्राई कीजिए और बड़ा सा बढ़िया हेल्दी रहेगा। जैसे आपको पता है टोमेटो स्किन के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये कच्चा टमाटो हम, ये भी कभी कभी चांस मिलता है, ये सब खाते हैं हम लोग, और वगैरह कच्चा टमाटो कौन खाता है, वैसे नहीं खाते हैं ना जनरली, तो ऐसे करके खाते हैं तो उसका डिफरेंट ही रहेगा। तो अब ये काट लिया मैंने सब, अब चलिए इसको मिला देते हैं चने के साथ। और ये बहुत मैं अकेला खा पाऊंगा कि या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन ये मेरा चटपटा सा मसाला टोमेटो, लेमन मैंने स्क्वीज कर लिया, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक और सादा नमक भी। सो थोड़ा सा आ गया ये काला नमक, अगर सादा नमक आपको अगर मिलाना होगा मिला लीजिएगा, पर ये काला नमक ही बहुत ही रहेगा, क्योंकि ये हाजमे के लिए भी एकदम सही होता है। तो थोड़ा सा ले लिया मैंने सादा नमक, और चलिए इसको मिक्स करते हैं बढ़िया से। और नमक, ये काला नमक और लेमन जो गया है ना, नींबू का रस, ये सब बड़ा फायदा पहुंचाता है बॉडी को। तो अभी आप भी यही प्रैक्टिस कीजिए, भिगो लीजिए चना, और कुछ कुछ भी डालना चाहते हैं जैसे बीटरूट हो गया, ये सब आप डाल सकते हैं इसमें डाल के, बढ़िया से इसको चने को बना के एकदम खा सकते हैं। तो देखिए, चलिए टेस्ट करते हैं, ये लीजिए। मजा आ गया। आहा।
तो मेरा वाला तो टेस्टी बन गया दोस्तों, आप भी बनाइए और बताइए मुझे कैसा लगा आपको कमेंट में। यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, देख ले, जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू, बट जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले और मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप अच्छे रहें, परिवार को अच्छे रखें और अच्छा अच्छा खाना खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।